यो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग दोस्तों यार यहाँ पर बहुत बढ़िया होंगे भाई और मज़े कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का दोस्तों यहाँ पर गाइज आरिश खान की हमारी लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में। और जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, मैं मर्सिडीज़ की बस चला रहा था। तो भाई जब मर्सिडीज़ यहाँ पर अपने सवारियों का एज अ लग्जरी ऐसा दे सकता है पहाड़ों के ऊपर, तो भाई स्कैनिया क्यों नहीं? तो फिलहाल अभी मुझे मर्सिडीज़ से ज़्यादा पैसों भाई स्कैनिया ने हायर किया है और इन्होंने कहा कि प्लीज़ तुम हमारे लिए बस चलाओ। बट इन्होंने उनसे भी ज़्यादा टफ रास्ता यहाँ पर जो चुना, बट इनकी डबल टेक बस नहीं है। इन्होंने भी कहा है कि हम इतनी भी बेवकूफ़पंती यहाँ पर नहीं करने वाले। इनका भी ये कहना है कि हम भी इतनी बेवकूफ़पंती यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। और फिलहाल बस के अंदर पैसेंजर्स वगैरह दोस्तों हैं, आप सब लोग ये देख लीजिए, ठीक है, लेटे हुए हैं। और गाइस स्कैनिया की ये जो बस है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। और ये कुछ इसकी लाइटनिंग वगैरह है, बढ़िया, बहुत बेहतरीन। और पहाड़ी एरिया तो भाई तुम्हें पता है कितना ज़्यादा डेंजरस होने वाला है, तो गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आज की इस वीडियो में। और फिलहाल अभी स्कैनिया ने भी ये कर लिया है तो चलो सही है भाई। हमारे पे कौन सा फर्क पड़ रहा है? इंजन स्टार्ट, बढ़िया, ओके, चलिए। वाइब्रेशन है, थोड़ी सी वाइब्रेशन है दोस्तों इसके में, बट ठंड इतनी है तो इसके एसी के वेंट्स भी नहीं खोल रखे मैंने। बढ़िया, कैनिया पावर से तो अपनी जाना चाहती है। आज पता चलेगा भाई आपको स्कैनिया की ताकत का। बढ़िया, और स्कैनिया का ये दावा है कि ड्राइवर साहब आपको ना झटके महसूस नहीं होंगे हमारी बस के अंदर ग्राउंड क्लीयरेंस के मामले में, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैंने भी कहा जी अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो आपकी बस भी धड़ाधड़ जाएगी चाहे कैसा ही रास्ता हो। उन्होंने कहा भाई धड़ाधड़ ही जानी चाहिए अपनी बस। भाई साहब फिर रास्ता भी तो चेक करो यार, कितना ज़्यादा खतरनाक है। चलो सामने से कोई आ रहा है क्या बाहर ऊपर से? वैसे कोई जरूरत नहीं है, रुक जाओ। बढ़िया, चलिए। ओफो भाई साहब उससे भी ज्यादा टफ स्कैनिया ने चुन तो लिया है, पैसे इतने दिए हैं बस क्या ही बताऊं। कह रहे लग्जरी वो देना है भाई भाई साहब स्कैनिया की बस कहाँ चढ़ानी पड़ रही है भाई साहब, लिटरली यार ये चेक करो यार, तुम लोग देख रहे हो, ये चेक करो यार। आई मीन किस टाइप का रास्ते के ऊपर भाई ये जो बस खड़ी है यार। भाई लेकर तो जाऊंगा बस, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हद तक जाना पड़े। आखिरकार मेरी रेपुटेशन का सवाल है दोस्तों। ओके बिल्कुल एजिस पे रख के चलेगी बस, एजिस का सवाल हो रहा है, ये देखो एजिस का सवाल है दोस्तों।
देख रहे हो, ऐसे रस्तों पे ले जाएगी भाई बस ये आपको। और यहाँ कार वाले तक आते हैं, फटती है कार वालों की जिस रास्ते पर हम बस चला रहे हैं। दोस्तों देख रहे हो, जिस रास्ते पर हम बस चला रहे हैं ना, यहाँ कार वालों तक आती हुई फटती है, कार वालों की भी। बढ़िया, ओ तेरी क्या बात है दोस्तों। इन्होंने इंजन भी पावरफुल दिया भाई, मर्सिडीज से स्कैनिया ने। स्कैनिया ने हल्का सा वो वही सी सिस्टम रखा है, क्यों कटिंग वगैरह से अच्छी होती है ना यार। बट बस का लग्जरी के चक्कर में ग्राउंड क्लियरेंस इतना भी नहीं वो होता दोस्तों, कि इन पहाड़ों पे चली जाए यार, चाहे कोई बस वाला कितने ही वो कर ले। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो, ये देखो, मोड़ बहुत ज्यादा सक रहे हैं और बहुत ज्यादा खड़े मोड़। आराम से अब इंटीरियर के मजे ले लो, कुछ बस के ड्राइविंग के हैं दोस्तों, बाहर के तो ले ही रहे हो। इसके ग्लास पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन कुछ ज्यादा ही पड़ रहा है। बस स्पीड बहुत जल्दी पकड़ दिया भाई स्कैनिया की। यार स्कैनिया भाई माहिर है इन सब चीजें, यही इंजन बनाने में तो भाई परफेक्ट है स्कैनिया। बढ़िया चल रही है बस इसी। लगती तो है, देखो भाई थोड़ी बहुत अब अपने ग्राहकों को लग्जरी प्रोवाइड करना है। देखो ये ना मुकाबला है, मुकाबले में हम जैसों का फायदा है। मर्सिडीज चुप नहीं बैठे यार, क्या हुआ? कभी तुम ये सोचते होंगे कि मर्सिडीज चुप बैठ जाएगा जी, घंटा कहीं नहीं चुप बैठने वाला दोस्तों। ब्रेकिंग सुधारनी चाहिए स्कैनिया को अपनी, जिंदगी मौत का सवाल है दोस्तों यहाँ पर। ब्रेकिंग बट ठीक ठाक है भाई स्कैनिया की इतनी हद तक। या ब्रेक्स में कुछ हो गया, बढ़िया। ये व्हाइट व्हाइट कुछ ज्यादा नहीं आ रहा यार आगे ही, बस के शीशे के धूप का रिफ्लेक्शन। बट फिर भी हम पहुंच तो गए। स्पीड चेक करो एक बार बस की, देखो जरा 114 118 की स्पीड पर क्रूज कर रही है यहाँ पर। इन बसों पे कहाँ फर्क पड़ रहा है यार इस चीज का।
पढ़ता भी है भाई, ऐसी बात नहीं है, पढ़ता भी है। तो गाइज यार आई होप कि यार आज की वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों, लगी तो कर दो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलता हूँ उससे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, खुश रहिए।